दोस्तों अगर आप भी तिलक वर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज चौथा T20 का मुकाबला। जैसा कि तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की अगर इज्जत बचाई है तिलक वर्मा ने, जो 107 रन ठोक दिए थे और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने जीत हासिल की। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का जो है पीछा बड़ी स्पीड से किया था, लेकिन भारतीय टीम के एक ही बल्लेबाज ने 107 रन ठोक दिए थे, जहां पर भारतीय टीम की जीत तिलक वर्मा के जो है ओहदे पर निश्चित हुई। जैसे कि दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज फिर चौथा T20 का मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर कूद पड़े। जी हां दोस्तों, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया चौथा T20 का मुकाबला। अब चौथा T20 का मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम को जीतना उतना ही ज्यादा जरूरी था जितना भारतीय टीम को, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अगर चौथा T20 का मुकाबला जीत जाती तो समझ लीजिए कि वो सीरीज में बराबरी कर लेती। अगर भारतीय टीम चौथा T20 का मुकाबला जीतती है तो समझ लीजिए कि भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करेगी। दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ काफी तूफानी, रोमांचक, सांख रोक देने वाला, सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से चौथे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह साउथ अफ्रीका की टीम के लिए यमराज बन बैठे। सब कुछ पूरा का पूरा दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 का मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, काफी तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया चौथे T20 मुकाबले का, तो इस बार टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को गेंदबाजी करने का मौका दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन कूद पड़े। यहां पर दोस्तों संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। शुरुआत अभिषेक शर्मा की काफी बेहतरीन थी और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पहले ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। पहले ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर अभिषेक शर्मा ने एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने पहले ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धोने लगे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए, तो वहीं दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की बची दो गेंदों पर एक नहीं बल्कि लगातार दो गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा ने चौका ठोक दिया, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू को दी। संजू ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया, चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की बची दो गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर 33 रन ठोक करके अभिषेक शर्मा आउट हुए। दोस्तों अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कदम रखा और तूफानी विस्फोटक अंदाज में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरे ओवर की बची चार गेंदों पर तिलक वर्मा ने लगातार चार छक्के ठोक दिए। तिलक वर्मा ने तीसरे T20 मुकाबले में 107 रन ठोके थे और यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाज का मेन मकसद था कि तिलक वर्मा का कैसे भी बिगड़ लें, क्योंकि तिलक वर्मा अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो समझ लीजिए कि 200-250 रन बनाने की क्षमता अकेले ये बल्लेबाज रखता है। 22 वर्षीय तिलक वर्मा की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों संजू सैमसन ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने दौड़कर दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी और चौथे ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, जहां पर दोस्तों तिलक वर्मा ने चौथे ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दोस्तों पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया, पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका ठोक दिया और पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर तिलक वर्मा ने फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पांचवें ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी।
संजू सैमसन ने पांचवें ओवर की छठी बॉल पर तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें दोस्तों, यहां पर संजू सैमसन कैच आउट का सामना कर बैठे, फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा का साथ देने के लिए आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले दूसरे तीसरे टी20 मुकाबले में तो फ्लॉप रहे, लेकिन दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीकी की टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों तिलक वर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। पांचवें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार सूर्य कुमार यादव ने तीन छक्के ठोक दिए। छठे ओवर की पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने छक्का ठोक दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने चौका ठोक दिया। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने दौड़कर दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी। छठे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी, और सूर्या ने छठे ओवर की बची दो गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। सातवें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने फिर छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या ने फिर छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्या ने कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। सातवें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी। तिलक वर्मा सातवें ओवर की पांचवीं बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे, लेकिन 65 यानी कि 65 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। अब दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें जैसे ही यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें तिलक वर्मा आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आठवें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी, और आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी हुनहरे विस्फोटक बल्लेबाज घातक विस्फोटक शेर सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की जोड़ी कमाल की विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। नवे ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया। नवे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। नवे ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने फिर छक्का ठोक दिया। नवे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज का जो है लाइन लेंथ ही बिगड़ गया। नवे ओवर की छह गेंदों के भीतर यहां पर दो जो है वाइड बॉल फिर डाल दी। यहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पर काफी ज्यादा प्रेशर हो गया, और नवे ओवर की जब पांचवी बॉल आई तो फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, और नवे ओवर की छठी बॉल फिर एक चौका ठोक दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव का रोद रूप दिख रहा था। सूर्य कुमार यादव गुस्से में थे, उनका बल्ला भी काफी ज्यादा गुस्से में चल रहा था। सूर्य कुमार यादव का गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो दो तीन टेस्ट मुकाबले में टी20 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 10वें ओवर की चौथी बॉल पर तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या यहां पर 34 यानी कि 34 रन ठोक करके आउट हुए। हार्दिक पांड्या जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह ने दोस्तों 10वें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के ठोक दिए, और अफ्रीका के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव समझ चुके थे कि रिंकू सिंह काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो भी लगभग दो मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। रिंकू सिंह ने दोस्तों 12वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, और 12वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी। सूर्या ने 12वें ओवर की बची दो गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की गेंदबाजी देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए, लेकिन दोस्तों 13वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते सूर्या ने 122 रन ठोक दिए, और सूर्या अभी भी नॉट आउट था। सूर्या ने दोस्तों 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। दोस्तों यहां पर 13वें ओवर के बाद 14वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने एक रन लिया, दौड़ करके जहां पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर सूर्य कुमार यादव और घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें रिंकू सिंह को आउट करने के लिए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन इस चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को चौथा टी20 का मुकाबला हर हाल में जीतना था।
15वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी, रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया, 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया, 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी, रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 17वें ओवर की छह गेंदों पर दो कवर ड्राइव, किरचौकी और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 18वें ओवर की छह गेंदों पर तीन छक्के तीन चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। 20वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 20वें ओवर तक जाते आते साउथ अफ्रीका की टीम के सामने पहाड़ सा रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम के पसीने छूट गए। साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। जब साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने को उतरी तो साउथ अफ्रीका की टीम को लग रहा था इस मुकाबले को हम बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे। यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के दो नमूने घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के उतरी। फिर गुरु ऐसा हुआ, भारतीय टीम की तरफ से हर्षदीप सिंह पहला ओवर लेकर के गए जहाँ पर 11 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई जहाँ पर 5 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए यहाँ पर दोस्तों आवेश खान जहाँ पर 16 रन दे दिए और चौथा ओवर लेकर गए हार्दिक पांडे जहाँ पर 32 रन दे दिए। लेकिन दोस्तों 5वां ओवर लेकर के जैसे ही भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक चक्रवर्ती साहब हमारे गए गेंदबाज तो चक्रवर्ती ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज चक्रवर्ती की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी कमाल कर रही थी। तो वहीं दोस्तों हर्षदीप सिंह ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट ले लिया। तो वहीं दोस्तों 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट रवि बिश्नोई ने भी चटका दिया। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर के बाद साउथ अफ्रीका के बौखलाए दो बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जो छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे। जिसने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए और दोस्तों 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को ज्यादा देर तक भारतीय टीम के शेयरों ने टिकने नहीं दिया और भारतीय टीम ने चौथा T20 का मुकाबला भी अपने नाम कर लिया और सीरीज में जीत अपनी हासिल कर ली। दोस्तों भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच एक यह वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला दोस्तों 15 तारीख को यानी कि दोस्तों कल खेला जाएगा। बस आप लोग ईश्वर से दुआएं कामनाएं बनाए रखिए कि रियल मुकाबला हमारी भारतीय टीम जरूर जीते। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जैसा कि हमारी भारतीय टीम तीसरा T20 का मुकाबला जीत चुकी है और तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम को अगर जिताया है तो सबसे बड़ा योगदान रहा है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा की वजह से हमारी भारतीय टीम तीसरा T20 का मुकाबला जीती, क्योंकि अगर भारतीय टीम 200 के पार स्कोर ना बना पाती तो साउथ अफ्रीका की टीम तीसरा T20 का मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लेती। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, आपने खुद लाइव देखा होगा, अगर मैच कुछ लोगों ने देखा होगा तो यहां पर बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 200 से पार अपना स्कोर ले गई। लेकिन तिलक वर्मा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और चौथा T20 का मुकाबला जो आपने देखा वो एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला कल खेला जाएगा 15 तारीख। और दोस्तों आप लोग ईश्वर से दुआएं कामनाएं बनाए रखिए कि चौथा T20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम जरूर जीते। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी इस चैनल पर हमेशा हाईलाइट वीडियो जानकारी मिलती रहती है।